नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वशीकरण विधि लेकर आई हूं जिसके उपयोग से आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां, और यह विधि बहुत ही सरल और सुगम है। तो आइए आपको बताती हूं कि कैसे आपको इस वशीकरण विधि को करना है। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको चावल लेना है, एक देसी घी का दिया, एक सिंदूर और एक सफेद पेपर और काला पेन। भक्तों, यह विधि किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए है। यदि आप किसी को चाहते हैं, या आपका पति जो आपसे दूर जा रहा है, या अब आपके रिश्ते में अब वो बात नहीं रह गई है, जैसे कि अब आपका रिश्ता टूट रहा हो, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप दोनों अब साथ में नहीं रह रहे हो, तो भक्तों आइए आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको इस विधि के बारे में बताती हूँ कैसे आपको इस वशीकरण विधि को करना है। सबसे पहले आपको सफेद पेपर पर अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहती हैं। इस तरह से आपको अपने पति का नाम लिखना है। अब आपको घी के दियो को लेना है और उसके नाम के ऊपर इस तरह रख देना है और आपको इस घी के दियो को जलाना है। सिंदूर लेना है, सिंदूर को थोड़ा ऐसे दियो के चारों तरफ और उसके नाम पर ऐसे छिड़काव करना है। उसके बाद आपको चावल के एक दाने लेने हैं, इस तरह से आपको चावल का एक दाना लेना है। अब ध्यान रहे, चावल आपको दाहिने हाथ में लेना है। अब इस चावल पर सिंदूर लेना है और इस तरह से इस पे लगाना है, ये देखिए। अब आपको दूसरे हाथ से इसको ऐसे ढकना है और अब आपको उस मंत्र का जाप करना है जिस मंत्र के द्वारा आप अपने पति को वश में करेंगी, यानी कि हमारे सिद्ध किए हुए वशीकरण मंत्र से। उस मंत्र का जाप करते समय आपको दियो के आगे पीछे ऐसे हाथ घुमाने हैं और आपको 111 बार इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपको अपने पति का आपके मन में ध्यान होना आवश्यक है, मतलब उनकी छवि आपके मन में होनी चाहिए। इस तरह से 111 बार करने के बाद इस चावल के दाने को उस घी के दिए में डाल देना है। तो भक्तों, आप यह मंत्र देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस मंत्र को कहीं लिख सकते हैं। इस मंत्र में लिखा है ओम नमो हरियम कुरुम नमो स्वाहा, मतलब कि ओम नमो हरियम राजम नमो स्वाहा। कुरुम की जगह आपको अपने पति का नाम लेना है या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेना है। इस तरह से आपको मंत्र का 111 बार जाप करनी है इस विधि के दौरान। अब जब विधि यह पूरी हो जाए, दिया बुझ जाए, तो आपको इसे इस तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद इसे ले जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। भक्तों ध्यान रहे, यह विधि करते समय आपको कोई देख ना पाए। और भक्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई समस्या या परेशानी हो रही है तो आप हमारे नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। यह हमारे गुरुजी का नंबर है, आपकी सारी समस्याओं का वह समाधान करेंगे। तो भक्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।